Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Wah, wah, wah. Dad, want to see what's upstairs? What? Come. Come? Yeah, we'll show you. I made a new car. वेलकम टू अश्विन्स मॉम कॉर्नर. और अभी है 6 o'clock. आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर और उसके बाद हम लोग कहीं पर जाएंगे डिनर करने. हम सब रेडी हैं और डिलो घर पे रहेगा. वो जब हम लोग उसको छोड़ के जाने लगते हैं तो वो बहुत ही शोर मचाता है, बहुत इधर उधर बहुत ज्यादा टहलने लगता है. लिटरली वो सीरियसली वॉक करता है साइड बाई साइड अपने केज में. यस, तो बस चलिए अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आज की शाम. जैसे कि मैं हर किसी के बर्थडे पे बनाती हूँ तो हलवा मैंने बना लिया है और मेरे हस्बैंड के बर्थडे के जस्ट एक दिन बाद पड़ता है मेरी बेटी का बर्थडे, वो है कल. और कल भी यही होगा, केक और हलवा कल भी होगा. और उसकी जो पार्टी है वो है सैटरडे को आफ्टरनून में. यस, one information, if information, if you get a parakeet, do not touch his beak. Okay. It will bite you. I speak from experience. तो वो कह रहा है कि अगर आप कभी कोई पैरेकीट रखते हो तो उसका चोंच मत टच करना है. शायद उसने इसको थोड़ा सा पिंच किया है, right? No, not pinching. He did this. Okay. थोड़ा सा bite किया है उसने. तो ये क्या करता है ना कि उसको एकदम गोद में उठाने की कोशिश करता है और इसलिए वो उसको थोड़ा सा पिंच कर देता है. लेकिन पैरेकीट्स जो होते हैं उनको पता होता है कि अगर वो किसी को बाइट कर रहे हैं तो उसमें कितना फोर्स डालना है. ओके, दैट्स अ बर्थडे प्रेजेंट. आई वोंट टेल. ओके, टेल. सो आई मेड अ सरप्राइज फॉर डैड एंड इट्स सो ग्रेट. तो चलिए अब चलते हैं मंदिर. So do I have to? तुम लोग जितना शोर मचा रहे हो ना, लोगों को ये तो बाहर उठा के फेंकने वाले. बाप on a chicken. What are you trying to do? Mama. She wants to make all the plates look same. So hold on, hold on. Let her do it once. Once she does it, then you can take it. Okay? Shut up. चलो हम किसी ढाबे पे चलते हैं. मुझे डर लग रहा है. बस हम बाहर ही फिकने वाले हैं. सब लोग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. हाउ इज द फूड? Nice. This is sure. Nice. Yeah. Nice. Nice. Mom, it's not any better than your food. Oh, thank you so much. इस समय रात के बज रहे हैं 10:30 और ये केक हम लोग कट कर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे और घर आके केक कट कर लेंगे. केक तो पहले ही आ गया था बट अब बहुत देर से हम लोग घर आए तो अब हम लोग केक कट करेंगे. Where is the candle? खाना वाना हम लोगों ने सब खा लिया. Can I light it? I'm petting him. Not saying anything. Really?
और बस अब हम लोग केक कट करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mohit. Happy birthday to you. Just a bite. Wow, very good, very good. Let me check the fridge. Wow. Eat it. Wow, so nice. Eat it. It's so nice. Eat it. Eat it. Since this card is from both of us, it's filled with twice the smiles, twice the hugs, and 1,000 times the wishes for happiness all year. Signed by your son Arsh and daughter Erin. Wow, thank you so much. Oh, it's here! Santa sized. Yes. बर्थडे पार्टी है, ये बहुत ही फटाफट प्लान हुई थी। हमारा कोई भी प्लान नहीं था ऐसे कुछ बर्थडे उस दिन कुछ भी करने का। हम लोगों ने यही सोचा था कि हम हमेशा की तरह उस दिन अगर बर्थडे आप नहीं करते हो, मींस अगर वीकेंड होता है तो ही हम उस दिन बर्थडे प्लान करते हैं इस तरह से किसी को बुला के, और अगर वीकडेज होता है तो हम सिर्फ अपने में कर लेते हैं क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं स्कूल और ऑफिस में। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग केक कट कर लेंगे और उसके बाद बाहर कहीं डिनर कराएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि केक तो कट कर रहे हैं और ऑलरेडी हम 2-3 दिन से बाहर ही खा रहे थे, तो चलो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं फटाफट। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने इनवाइट किया और बहुत ही जल्दी में सबको कॉल किया, बस घर से निकलने ही वाले थे हमने तभी कॉल किया। एंड थैंक्स टू एवरीवन, वो लोग आ गए। बिल्कुल उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि इतना जल्दी क्यों हो रहा है कैसे, बस वो लोग आ गए। और इसलिए आप सभी को थैंक यू सो मच जो भी आए थे इतनी जल्दी में। और ये है उसकी बर्थडे पार्टी वाला दिन, और ये बर्थडे पार्टी हमने उसकी चकी चीज़ में की थी। अगर आप US में रहते हैं तो आपको पता होगा चकी चीज़ के बारे में, और जिनको नहीं पता है मैं ये बता देती हूँ कि ये चकी चीज़ है और यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम वीडियो गेम कहते हैं मार्केट, और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है, कोई ऐसे हसल वसल नहीं होता है कि क्या करना है कैसे करना है, और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अगर ये बच्चों की पार्टी है तो फिर बच्चे ही इन्जॉय करें, और अगर बच्चे नहीं इन्जॉय कर पाए तो कोई मतलब नहीं बनता है इन चीज़ों का। आद्या का जो फर्स्ट बर्थडे पार्टी हुई थी वो भी हमने चकी चीज़ में ही की थी।
उस तरह एक कार्ड मिलता है, उसको स्वैप करके आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, वो पहना रही हूँ। और ऐसा ही कार्ड सभी बच्चों के लिए मिलता है जो भी पार्टी में आते हैं। जो भी गेम खेलते हैं उस गेम में से लास्ट में टिकट निकलता है और उस टिकट को आप ले जाके काउंटर पे देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे टॉयज होते हैं। उन टॉयज में से आपको चूज करना पड़ता है, मीन्स जितना भी टिकट निकला है उस टिकट को काउंट किया जाता है, उसके हिसाब से वो आपको गिफ्ट दे देते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक फन एक्टिविटी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। इनफैक्ट हम लोगों को भी ये जो गेम्स हैं वो खेलने में बहुत मज़ा आता है। और जो बर्थडे किट होता है उसको भी टिकट्स मिलते हैं। मैंने एक क्लिप आगे डाली है, एक क्यूबिकल जैसी जगह है, वहाँ पर जो बर्थडे किट है उसको डालते हैं और वहाँ पे बहुत सारे टिकट ब्लास्टर होता है, टिकट बहुत सारे आते हैं और बच्चे को वो टिकट लेना होता है। और जितना ज़्यादा बच्चा टिकट ले लेता है या जितना भी उसको फिर वो बाद में कैश करा सकता है, सॉरी कैश नहीं, उस टिकट के बदले वो टॉय ले सकता है। यहाँ पर चल रहा था और लंच के बाद अब है केक कट करने का टाइम। टिकट ब्लास्टर जिसके बारे में पहले मैंने आपसे बोला था, तो इसके अंदर ही डाल के और टिकट ब्लास्ट करते हैं और बच्चा जितना भी टिकट ले पाता है उसके हिसाब से उसको फिर उसका मनपसंद टॉय दे दिया जाता है। और वहां पर अंदर जो भी कुछ हो रहा था वो सब यहाँ पर स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। जो मेरे हाथ में है ये है गुडी बैग्स या रिटर्न गिफ्ट जो बाद में बच्चों को देते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर सारे बच्चे अपने पॉइंट्स जो है वो कैश करा रहे हैं और अपने मन चाहे टॉयज ले रहे हैं। आध्या और उसके डैड के बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।